नालागढ़ की भुगपुर पंचायत के गांव गुरुवाला के सैनिक मनीष सिंह को बहादुरी के लिए सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय राइफल में बतौर सैनिक सेवाएं दे रहे मनीष सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। मनीष सिंह ने श्रीनगर में सोफिया ऑपरेशन के दौरान 22 जून 2022 को दो आतंकियों को सर्च ऑपरेशन के बाद खोजकर मारा था। बता दें कि मनीष सिंह के बड़े भाई भी आर्मी से कुछ समय पहले रिटायर हुए हैं, वह भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनीष सिंह गुरीवाला के किसान गोपाल चंद के बेटे हैं। उनके पिता गोपाल चंद ने बताया कि हमारे देश प्रदेश व बीबीएन क्षेत्र के लिए यह सम्मान की बात है कि उनके बेटे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नमस्कार सर, जय माता दी। पहले तो सभी को मैं जो मेरे को ये सम्मान मिला है मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसमें। तो ये मैं जेएंडके में पोस्टेड था, उसमें कोई सर्च ऑपरेशन चले थे, उसमें हमने दो मिलिटेंट की सूची मिली थी खबर में, फिर हमने उसका कॉर्डन वगैरह जो कि भी था फौजी कार्रवाई हमने की, उसमें हमने दो मिलिटेंट को मार गिराया था। तो उसके बाद मेरे को ये सेना मेडल की मिला जी। मुझे सेना मेडल, देखो जी, मैं इनकी इसको मैं बातों में बयान नहीं कर सकता, मुझे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं देश के काम आया और मैं अपने इधर इलाके का नाम रोशन करने कर सका। तो अभी मैं इनकी मेरे पास शब्द नहीं है जी, मैं क्या बोलूँ। मेरे को इतना बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेरे को फ़ोन भी आए, कॉल भी आए, बहुत मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन करके विशेष दी है। मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, जो मुझे जानते भी थे नहीं भी जानते थे, सभी ने फ़ोन कॉल किए और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मैं इधर भोगपुर पंचायत के गुरीवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे फादर जी है श्री गोपाल चंद जी, मेरे मदर जी, पीछे बड़े भाई जी, ये भी आर्मी से अभी रिटायर होके आए हैं। ये आर्मी में जाने की ख्वाहिश तो सर स्कूल टाइम से थी मुझे, जो कि हम पढ़ेंगे आगे भी आर्मी में जाना है। पहले सबसे पहले मेरे बड़े भाई गए आर्मी में, फिर मेरे को और हुआ कि मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर हमने और ज़्यादा मेहनत की, रेस लगाई, इधर दौड़े, प्रैक्टिस की, उसके बाद हमारा भी सिलेक्शन हुआ। फिर हमें बहुत खुशी हुई, फिर हम सोचते थे कि वैसे दिल में सोचते थे कि हम कहीं देश के काम आए, हम देश के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे मौका मिला, हमने उस मौके का वो किया जी। जो भी जो भर्ती होता है वो जैसे आप किसी भी आप बच्चे से उठा के पूछ लेना, जो बोलेगा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, ये करूँगा, यानी कि ये सभी लेके चलते हैं सभी। जो आज हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, जो मेरे भाई है, जो नशे की तरह ज़्यादा जा रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस देश की सेवा के बारे में इधर आए, कि भर्ती देखें, अपना ग्राउंड में जाएँ, मेहनत करें, आपको ज़रूर फल मिलेगा। आप मेहनत मत छोड़िए अपनी। अब मेरे को तो बहुत गर्व हुआ इस पे कि मेरा बच्चा ऐसा निकला, बहुत खुशी हुई। तीन लड़के हैं और सब शादी शुदा है, ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे हैं। तो सारे बच्चे आपके फौज में हैं? दो बच्चे फौज में है, एक घर का काम कर रहा। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, खुद ही इनका अपना दिल का वो था मदद। तो क्या आप मेहनत करते रहे, बहुत ग्राउंड में जाते थे। हम तो ऐसे बोलते हैं सारे बच्चे ऐसी सेवा करे, अपना नाम रोशन करे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।